Welcome to our channel Gravity Coaching Center. Quantitative aptitude chapter HCF and LCM. Question number 209. The least multiple of 13, which on divided by 4, 5, 6, 7, and 8 leaves remainder 2 in each case is what? इस क्वेश्चन में हमें 13 के लिस्ट मल्टीपल फाइंड करने हैं, जो कि 4, 5, 6 और 8 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 बचना चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे. 4 कोमा 5 कोमा 6 कोमा 7 एंड 8. तो यहाँ पे 8 जो है 4 का टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ 4 को रिमूव कर देंगे. अब हम इसको 2 का टेबल से लेते हैं. ये 5, ये हो गया 3, 7 कोमा 4. सो देयर फोर एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इंटू 4, और इसके जो प्रोडक्ट है वो 840 हो रहा है. तो 840 जो है, ये नंबर आपका 4, 5, 6, 7, 8 का डिविजिबल है, बट हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो नंबर है वो 13 का मल्टीपल होनी चाहिए, और अगर उसको आप इन नंबरों से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए. तो ऐसे केस में हम रिक्वायर्ड नंबर कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं. देखिए, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर 840 के प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे 2 ऐड कर लेंगे. और अब हमें इसमें ये पता करना है कि हम इस के की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू लेंगे कि वो 13 का डिविजिबल हो जाए. तो अगर हम इसमें डायरेक्ट पता करेंगे तो हमें लेंथी हो जाएगा. तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि 840 को 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं. डिवाइडेड बाय 13, तो सबसे पहले इसको हम फर्स्ट 2 डिजिट को लेते हैं. 84 है ना, तो 6 का टेबल में, तो 13 6 जा 78, और अब इसको हम माइनस करने से ये 60 आ गया. और यहाँ पे हम अब 4 का टेबल से 13 4 जा 52, तो क्या हो गया ये रिमाइंडर 8. तो 840 में अगर आप 8 माइनस कर दोगे तो वो 13 का डिविजिबल हो जाएगा, मीन्स 832, जो कि 13 के डिविजिबल है. तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 832 के प्लस 8 के प्लस 2. यहाँ आपका ये तो मेरे में पता चल गया कि 13 का डिविजिबल है. अब हमें इसमें ऐसी कौन सी के की वैल्यू पुट करेंगे कि वो 13 का डिविजिबल हो जाए. तो सपोज पहले हम के की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, तो 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस 2 10, जो कि 13 के डिविजिबल है नहीं. अब हम के की वैल्यू 2 लेते हैं, तो 2 लेने से ये 8 इंटू 2 प्लस 2, तो 8 टू जा 16 और 2 18, तो ये भी हमारे 13 का डिविजिबल नहीं है. तो अब के की वैल्यू 3 लेते हैं, तो 3 लेने से ये 8 डॉट 3 प्लस 2, तो 8 3 जा 24 प्लस 2 26, तो 26 जो है वो आपका 13 का डिविजिबल है. तो इससे हमें इजीली से क्या हुआ, के की वैल्यू हमें पता चल गई. अब यहाँ पे हम के की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा. सो इक्वल टू 840
इंटू थ्री प्लस टू, सो इक्वल टू 840 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2520 प्लस टू इक्वल टू 2522, सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. सो द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर.